हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ शमा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की टिक्की की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 उबले आलू जो ठंडे हैं, और 1 कटोरी कटा पनीर, आधा कटोरी मटर, कॉर्नफ्लावर और ग्रेट किया हुआ गाजर आधा कटोरी। मैंने लिया 1 बाउल, इसमें मैं भी उबले आलू डाल लूँगी। ये आलू छिले हुए हैं और ठंडे हैं, कभी भी गरम गरम आलू से मत बनाइएगा। और अब इन्हें अच्छे से मैश करूँगी। जिन मदर की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे खाना नहीं खाते या सब्जियाँ नहीं खाते, तो इसमें अपनी टेस्ट के अनुसार सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पनीर ऐड किया है, मटर ऐड किया है, गाजर ऐड किया है, तो उसी तरह वो भी अपने टेस्ट के अनुसार इसमें पालक है जैसे अनियन है वो ऐड कर सकती हैं। तो मैं इसमें मटर डालूंगी और गाजर डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इस पर 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मेरे बच्चों की ये बहुत ही मनपसंद डिश है। मैं जब भी ये आलू की टिक्की बनाती हूँ उन्हें बहुत पसंद आती है, और मेन बच्चों को ही पसंद आनी चाहिए। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच नमक आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ले सकते हो, हल्दी आधा चम्मच, और मिर्ची आप अपने फ्लेवर के हिसाब से भी ले सकते हो, और इसमें कटी हरी धनिया और आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और ड्राई क्रश किया हुआ कड़ी पत्ता मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं लास्ट में इसमें थोड़ी सी हींग, मैंने ये पतंजलि की हींग ली है, और हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही निखर के आता है और इससे इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इसमें आधा चम्मच हींग ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन, और मैं अजवाइन को इस तरह अपनी हथेली पर रखकर थोड़ा सा क्रश करूँगी। क्रश करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मैं पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स करूंगी इस तरह से, ताकि मसाला पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैंने गैस में तवा रख दिया है। ये तवा लोहे का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि लोहे के तवे में अच्छे से टिक्की बनती है और बहुत क्रिस्पी बनती है। और मैंने ये सिम फ्लेम में रखा है, तब तक तवा गर्म हो जाएगा, तो तब तक हम अपनी लोइयाँ बना लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा मोटी आकर की लोइयाँ ली है, और उसे इस तरह से करना है, इस तरह से इसे प्रेस करना है चारों तरफ से, ताकि वो टूटे ना। और ऐसे उसे प्रेस करके इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ बना ली है। अब मैंने लिया है 1 कटोरी ऑयल, छोटी कटोरी, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं होता, केवल फ्राई होता है, ऐसे कि थोड़े से तेल में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाता है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। और ये थोड़ा ऑयल मैं इस तवे के किनारे किनारे भी लगा दूंगी, ताकि वहाँ पर अगर मैं टिक्की को रखूँगी तो चिपके ना इस तरह से। और अब ये तेल गर्म हो गया है, तो मैं ये टिक्की इस तरह से रख दूंगी, ताकि वो अच्छे से सिक जाए। देखिए टिक्की अच्छे से सिक रही है, और इसे तब तक ऐसी फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। और देखिए इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है, और ये ब्राउन हो रही है और बहुत क्रिस्पी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं चम्मच लगा के देखा, बहुत क्रिस्पी हो रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी, मार्केट से भी अच्छी। और इस तरह मैं अपनी सारी ये टिक्कियाँ हैं इनको से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि तवे में इतनी जगह थी नहीं कि मैं सबको एक साथ रख देती। और देखिए सारी टिक्कियाँ फ्राई हो गई है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, और बहुत कुरकुरी बनी है, जैसे कि मार्केट की होती है, बल्कि मार्केट से भी अच्छी होती है। और अब मैं इसे फाइनल टच दूँगी। और ये दही है, दही में मैंने थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक मिक्स किया है, तो इस तरह से मैं इसे फाइनल टच दूँगी। और मैंने ये सॉस यूज़ किया है, आप चाहे तो खट्टी मीठी चटनी भी यूज़ कर सकते हो, ये इसके फ्लेवर को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इस तरह से मैंने ये सॉस
इस पे ऐसे डाल दिया है और थोड़ी सी मैं मिर्ची डालूंगी और थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ा सा मटर मैंने डाले फ्राई। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो घर पर जरूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।